दोस्तों नमस्कार, आप मेरे चैनल पर दोस्तों पहली बार है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऑलरेडी आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, नोटिफिकेशन ऑन रखिए जिससे दोस्तों मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो दोस्तों एक महीने पहले मैंने दोस्तों जो कटहल का बीज था उसे ग्रो करने का तरीका आपको बताया था दोस्तों, और आज ये दोस्तों ये कितने बेहतरीन क्वालिटी के कटहल के पौधे तैयार हो गए दोस्तों। और ये पौधे हमारे दोस्तों लगभग एक महीने के हो गए हैं, और ये एक महीने का अपडेट है जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इनमें करीबन दो पत्तियाँ बड़ी और बीच में चार चार पत्तियाँ हो गई है, और सारे पौधे सारे जो हमारे सीड्स थे वो ग्रे हुए हैं दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसमें बताया था दोस्तों। और ये वाले दोस्तों मैंने ये सब साथ एक ही साथ ही बोए थे सारे बीज, और ये सारे सीड्स जो कटहल है जैकफ्रूट है उसके ग्रो हो गए हैं दोस्तों, और ये एक महीने का रिजल्ट है जैसे कि आप देखो प्लास्टिक इसमें लगाए थे मैंने। और आप भी दोस्तों इस विधि से आप अच्छे से दोस्तों सीड से कटहल का पौधा तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों जो कटहल का पौधा हम सीड से ग्रो करते हैं वो करीबन 10 साल बाद फल देता है, लेकिन दोस्तों अगर हम ग्राफ्टेड पौधा तैयार कर सकते हैं जैसे कि हमने सीड से ग्रो कर लिया और किसी ऑलरेडी जिस पौधे में कटहल के में फल आ रहा हो उस पर हम इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं या साइड ग्राफ्टिंग या बी ग्राफ्टिंग करते हैं दोस्तों, तो उसमें 2 से 3 साल बाद ही फल देने लगता है, अच्छी क्वालिटी का हमें फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप भी घर पर कटहल के सीड्स से पौधा ग्रो कर सकते हैं जैसा कि मैंने इसमें प्लास्टिक पॉट में कर रखा है। और दोस्तों अभी तक मैं इनको 1-2 महीने और इसमें रहने दूंगा, उसके बाद ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और अच्छे से और अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी दोस्तों, और उसके बाद मैं इनको पॉलिथीनों में सेट कर दूंगा। और दोस्तों जब ये साल भर के हो जाएंगे तो दोस्तों इन पर मैं अच्छी क्वालिटी की जो ब्रांडेड अच्छी हाईब्रिड क्वालिटी का जो कटहल का पौधा है उसकी ग्राफ्टिंग करूंगा, और दोस्तों वो 2 से 3 साल बाद फल देने लग जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप भी कटहल का पौधा आसानी से बीज से घर पर ग्रो कर सकते हैं, और कटहल के फल का अच्छे से सब्जी और खाने में आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।